आगे बकरा ईद आने वाली है, तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल ये गारंटी है कि इसमें से कोई भी ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं कलेजी मसाले वाली। तो मैंने 1 kg मैंने लिया है कलेजी, और 2 टमाटर का पेस्ट, 2-3 चम्मच दही, 2 ये प्याज मैंने काटे हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च। तो मैंने सोचा कि आगे ईद भी आ रही है तो हम क्यों ना हम कलेजी बनाएं, क्योंकि ईद वाले दिन सबकी फेवरेट होती है कलेजी, तो हम इसलिए हम बना रहे हैं। चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे प्रेशर कुकर। चले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे सबसे पहले कलेजी, प्याज, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, आप साबुत भी डाल सकते हैं लहसुन, हरी मिर्च भी साथ ही डाल देंगे। 1 स्पून डालेंगे नमक, 1/2 स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर। इसमें डालूंगी मैं 1 कप पानी, ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, ये धो के मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया है। तो ये हम बीफ की कलेजी बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे ईद पे हम मटन से भी बनाएंगे। हम ढक्कन इसका बंद करेंगे और 10 मिनट इसको चलाएंगे। तो ये हमने ज़्यादा कलेजी अगर पकाएं तो ये ज़्यादा हो जाती है हार्ड, तो इसलिए हम इसको प्रेशर में जल्दी से वेट लगाएंगे। 10 मिनट मैंने वेट लगाया था इसका, तो कलेजी हमारी गल गई है। अब इसको मैं डालूंगी कढ़ाई में, तो फिर इसकी बुनाई करेंगे। मैंने डाली है, तो इसमें डालेंगे आप 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, टमाटर का पेस्ट, और ये 2 से 3 चम्मच दही, 1/2 स्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1/2 स्पून धनिया पाउडर। दही और टमाटर का पेस्ट खुशक हो गया, अब इसमें डालेंगे घी, घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। बुनाई मैंने कर ली है, अब मैं इसको ढक्कन बंद करूँगी, 2 से 3 मिनट चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता हल्का कर दूँगी, और ताकि हमारा अच्छे से ऊपर ऑयल आ जाए। माशाल्लाह देखिए ऑयल ऊपर आ गया, अब इसकी हम सर्विंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इजी मैंने रेसिपी बनाई है, ये कोई भी मुश्किल नहीं कलेजी पकाना। तो चूंकि हमारा चैनल भी है इजी, तो इजी से इजी हम बनाते हैं। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल ये गारंटी है कि इसमें से कोई भी ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो लाइक, प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें, यो ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफज़ाई होती है। तो चलें ठीक है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।